गाजीपुर में ताजिया के दौरान बैंड को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट और फायरिंग शुरू हो गई। इस दौरान एक युवक को गोली लग गई। आनन फानन में घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने वाराणसी रेफर कर दिया। वहीं दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट में भी कई लोग घायल हो गए। वहीं मारपीट और फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस एक्शन में आई और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। एसपी रोहन पी बोत्रे ने बताया कि दो पक्षों में बैंड को लेकर विवाद हुआ है, जिसमें गोली चली है। आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में विधिक कार्रवाई की जाएगी। रजदेपुर में कल ताजिया उठने वाली है या यहाँ से दो पक्षों के बीच में बैंड को लेके कुछ विवाद जो है वो हुआ है। एक व्यक्ति जिसका नाम शेरू है, उसने और कुछ अन्य लोगों ने, जिसने शेरू को भड़काया था, इन लोगों ने एक व्यक्ति के ऊपर फायर किया है। उस व्यक्ति को जो है अस्पताल रेफर किया गया है। उसकी हालत जो है वो स्टेबल है। इन लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई जो है वो की जाएगी। उचित धाराओं में जो भी तहरीर प्राप्त होती है उसमें मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और ये इंश्योर किया जाएगा कि ऐसे लोगों के ऊपर गैंगस्टर के मुकदमे जो है वो पंजीकृत किया जाए। सर कि मतलब के देखा जाए कितना हुआ सर वो गोली? देखिए अभी एक व्यक्ति को जो है गोली लगने की सूचना है। अन्य कुछ एक दो व्यक्ति है जिनको हाथ में छर्रा इत्यादि लगने के, वो बिल्कुल स्टेबल है। सभी लोग उसमें स्टेबल है। उनको हॉस्पिटल जो है वो इलाज के लिए तत्काल पुलिस द्वारा भिजवाया गया था। जो भी विधिक कार्रवाई करनी है की जा रही है। देखिए अभी गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। इसमें पहली चीज़ जो है उसमें टीमों का गठन जो है वो किया गया है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली थी तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची थी। मेरे द्वारा भी अभी मौके का निरीक्षण जो है वो किया गया है और तत्काल जो है इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए जाँच में जुट गई है और आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित कर दी गई है। पुलिस अधिकारी जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दे रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजीपुर से आरिफ वारसी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।